आज हम लोग जानने जा रहे हैं हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी कोड होता है, इमरजेंसी कोड बनाया जाता है हॉस्पिटल में जितने भी काम करते हैं वर्कर, उसमें क्या किया जाता है, उसमें किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है कोड होता है, जो उस कोड को उसको हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड बोलते हैं। और उस कोड की जानकारी उसी को होता है जो मेडिकल लाइन से बिलोंग करता है, जो डॉक्टर है, जो पारा मेडिकल स्टाफ है, या जो हॉस्पिटल में वर्क कर रहा है, उस तरह का एक कोड बना दिया गया कि किस स्थिति में क्या कोड किया जाएगा कि वह लोग जो है अस्पताल में जो काम कर रहे हैं, डॉक्टर, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ, गार्ड या जो भी चीज है, वह सारे लोग उस कोड के लिए सतर्क हो जाएं, उस कोड को समझ के सतर्क हो जाएं। क्योंकि मानते हैं अगर कोई घटना हो जाती है और अगर हम अस्पताल में ऐसे ही माइक से या फिर हम उसको अनाउंस करते हैं, सब लोग को जानकारी देते हैं, तो उससे अस्पताल में भगदड़ मच जाती है। और भगदड़ मच जाने के फलस्वरूप क्या हो सकता है कि किसी का कोई कैजुअल्टी हो सकता है, किसी का जान हो सकता है, कोई अप्रिय घटना हो सकता है। इसलिए एक इमरजेंसी हैंडल करने के लिए एक ऐसा कोड बनाया गया है जो केवल मेडिकल से रिलेटेड पर्सन ही जानेंगे कि वह कोड का इस्तेमाल किस कंडीशन में होगा, वह कोड क्या है, कलर के अनुसार कोड बनाया गया है। और इससे हम लोग आपात हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी होता है, आपातकालीन इमरजेंसी जो हॉस्पिटल में अराइज होता है, उससे हम लोग फेस कर सकते हैं, उससे हम लोग लड़ सकते हैं। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं हॉस्पिटल आपातकालीन कोड सभी हॉस्पिटल में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका इस्तेमाल किसी भी आपातकालीन स्थिति में वहां के कर्मचारियों को बताने के लिए किया जाता है। अब इस कोड से क्या होता है कि स्टाफ जो काम करते हैं वह आसानी से समझ सकते हैं और आम पब्लिक को इससे परेशानी नहीं हो सकता है। जैसे कैसे कैसे हो, जैसे मानते हैं अस्पताल में क्या क्या अप्रिय घटना हो सकता है, जैसे मानते हैं कोई पेशेंट का एक एक्सपायर कर गया, किसी का कार्डिक अरेस्ट हो गया, किसी का रिस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया, तो अब आप खुलेआम हल्ला कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सारा लोग पैनिक हो जाएगा। अब मानते हैं कि अस्पताल में किसी भाग में आग लग गया, या अस्पताल में मानते हैं कोई बच्चा चोरी हो गया, या फिर अस्पताल में मानते हैं कोई बम रख दिया, तो कोई इस तरह का चीज होगा तो पब्लिक में हम डायरेक्ट इन्फॉर्म करेंगे तो उससे भगदड़ मच सकता है, व्यवस्था इधर उधर हो सकता है। तो एक कोड हम बना लेंगे, एक कोड बना दिया गया है मेडिकल सिस्टम में, सारे अस्पताल में वही कोड एराइज होता है कि आपको हम बोलेंगे ब्लू कोड, पिंक कोड एक्टिव, ब्लू कोड एक्टिव, रेड कोड एक्टिव, व्हाइट कोड एक्टिव, तो आप समझिए कि वो कोड का मतलब क्या है और किसके लिए काम करना है, वो हम अभी आगे जाकर डिस्कस करेंगे। बाय बाय। जैसे मानते हैं कि हम लोग सबसे पहले बता रहे हैं ब्लू कोड, कोड ब्लू, ऐसे अस्पताल में किसी अलाउंस हुआ, हेलो ब्लू कोड एक्टिव, ब्लू कोड एक्टिव ऑल मेंबर्स, ऑल स्टाफ, तो मतलब क्या हुआ कि ब्लू कोड एक हॉस्पिटल में इमरजेंसी कंडीशन में तब एक्टिव होता है जब किसी पेशेंट को कार्डिक अरेस्ट हो जाता है। यदि किसी मरीज का इलाज कर रहा है, किसी मरीज का इलाज चल रहा है अस्पताल में, किसी वार्ड में स्थित है, आईसीयू में स्थित है, जनरल वार्ड में स्थित है, ओटी में स्थित है, किसी भी भाग में स्थित है, अगर उस मरीज का एकाएक कार्डिक अरेस्ट हो गया, मरीज का इलाज हो रहा है तो हॉस्पिटल में भी कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, तो किसी कारण से मरीज का कार्डिक अरेस्ट हो गया या रिस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया, यानी कि सांस जो है रिस्पिरेशन उसका नहीं हो रहा है, सांस लेना और छोड़ना रिस्पिरेशन कहलाता है, तो वह प्रक्रिया नहीं परफॉर्म हो रहा है, नॉर्मल रिस्पिरेशन रेट कितना होता है बता दिए पहले, तो किसी भी कारण से किसी मरीज का यदि रिस्पिरेशन फेलियर हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, कार्डिक अरेस्ट में चला जाता है, तो वहां का जो मैनेजमेंट होता है वह माइक से करता है कि ब्लू कोड एक्टिव, मतलब कि ब्लू कोड एक्टिव जैसे कहेगा तो उस मरीज के ब्लू कोड एक्टिव इन आईसीयू बेड नंबर 3। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी सीपीआर करने वाला जो मैनेजमेंट टीम बनाया गया है इमरजेंसी हैंडल करने के लिए जो हॉस्पिटल में वर्क कर रहा है, जैसे वो बोलेगा ब्लू कोड एक्टिव, इस बेड पर दौड़ के आदमी वहां चला जाएगा और वहां जाके क्या करेगा, उस मरीज को सीपीआर देना स्टार्ट कर देगा बिना पहचाने, बिना बेड नंबर के अनुसार। जैसे मानते हैं ब्लू कोड एक्टिव, तो यानी समझ गया कि या तो रिस्पिरेटरी अरेस्ट है या कार्डिक अरेस्ट है, या तो ऑक्सीजन थेरेपी देना है या फिर सीपीआर देना है, जो भी प्रोसीजर देना है, तो उसके लिए जो आदमी है वो दौड़ के जाएगा, विद इन मिनट सब करना रहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्डिक अरेस्ट वाले पेशेंट को हम अगर सीपीआर विद इन मिनट नहीं देंगे तो उसका सर्वाइवल चांस कम हो जाता है, तो वह जाके वहां पे सीपीआर परफॉर्म करेगा, डिफिब्रिलेटर का यूज करेगा, शॉक देगा। तो अब हम ब्लू कोड कह दिए तो क्या हुआ कि अस्पताल का लोग समझ गया कि क्या हुआ है इस बेड पे, लेकिन बाहर का मरीज का अटेंडेंट है चाहे बाहर का और है, वो पैनिक नहीं होगा, क्योंकि अगर वो जान जाएगा कि उस बेड इस नाम के आदमी को कार्डिक अरेस्ट हो गया है, तो हमारा पहले हमको पकड़ के लाएगा, हमसे बतियाने, हमारा समय बर्बाद करे, और लोग और भी लोग डर जाएगा, तो एक एक्टिव कोड बनाया गया। इसीलिए मेडिकल में कोड एक्टिव, यानी कि आप लोग जहां भी काम करने जाएगा
और जहां पे मालूम चले कि ब्लू कोड एक्टिव हुआ है, यानी कि किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आया है वार्ड में जो भर्ती है, और बेड बेड नंबर बताया जाता है उस वार्ड में बताया जाता है, उसके अनुसार हॉस्पिटल अनाउंस करेगा। तो ब्लू कोड एक्टिव होने के बाद रेस्क्यू टीम आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा और आपका रेस्क्यू वहां पे स्टार्ट हो जाएगा कि आपका रेस्क्यू करना है, कि आपको तुरंत हम लोग CPR देना स्टार्ट कर देना है। अब दूसरा के बाद हम लोग आएंगे रेड कोड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब अस्पताल में किसी भाग में आग लग जाए, फायर हो जाए। तो जैसे अस्पताल में मानते हैं कि बहुत सारे ऊपर से नीचे 3 मंजिला 5 मंजिला हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल का पूरा जो है अलग अलग डिपार्टमेंट है, अब किसी एक एरिया में आग लग गया, हम बोले आग लग गया तो क्या हो गया, पूरा जितना लोग है अस्पताल में, हाउस छोटा बड़ा अस्पताल में क्या हजारों लोग रहेगा, पूरा लोग क्या हो जाएगा, तुरंत भागने लगेगा, गैदरिंग हो जाएगा, घटना प्रिय हो सकती है। इसलिए रेड कोड जैसे कहेंगे तो रेड कोड का मतलब कि अस्पताल में किसी भाग में आग लगा हुआ है, तो उसमें सबसे पहले क्या करना है कि हमको क्या करेंगे कि डिस्कवरी पता करना है कि कहाँ आग लगा है, किस जगह पे आग लगाना है, वहां पे आग लगा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे रेड कोड एक्टिव होगा सबसे पहले हम लोग एम्बुलेंस को फोन करेंगे और पेशेंट को शिफ्टिंग करने के लिए या फायर वाले को भी फोन करेंगे, ठीक है, अलर्ट। उसके बाद नियर बाई जितना बिल्डिंग में जितना भी लोग है उसको हम उस एरिया से दूर करने के लिए, हटाने के लिए काम करेंगे। हमारा जो हॉस्पिटल का टीम होगा, जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट होगा, हमारा स्टेप क्या होना चाहिए कि वो आग वाले एरिया से दूसरे जगह पे पेशेंट को सबसे पहले ले जाना है, जहां पे आग लगे वहां पे क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट को ले जाना है और सबसे पहले क्या करना है कि आस हॉस्पिटल का जितना कर्मचारी है जितना स्टाफ है सबको आग बुझाने का ढंग आना चाहिए। आजकल बहुत सारा इक्विपमेंट्स फायर विभाग के द्वारा लगा दिया जाता है हॉस्पिटल में, आप फायर फाइटिंग कुछ सब कुछ यूज करना सबको आना चाहिए, जितना भी स्टाफ है काम कर रहा है किसको कब कैसे यूज करना पड़े, लिक्विड वाला आता है, सॉलिड वाला आता है, ड्राई पाउडर वाला आता है, वाटर वाला आता है, सब चीज का आता है। तो जिस तरह से है उस तरह हम लोग वाटर बुझाने का प्रयास करेंगे और सबको वाटर बुझाने का ढंग आना चाहिए। और उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अटैक फायर इफ सेफ विद द फ्री, मतलब कि जहां पे सेफ जगह है वहां से पेशेंट को निकालने का प्रयास करेंगे, पेशेंट का काउंट करेंगे, कोई पेशेंट तो छूटा नहीं है, मिसिंग तो नहीं है, किस बेड पे कितना पेशेंट है वो सब चीज काउंट होना चाहिए हमको। और उसके बाद हम लोग वेरीफाई करेंगे कोई आदमी मिसिंग हुआ है तो उसको हम लोग खोजेंगे, नहीं तो उसको सेपरेटली हम लोग बाहर निकाल के आग को बुझाने का जो भी यंत्र है उसको आग बुझाने का काम करेंगे। तो यह जब हमारा रेड कोड एक्टिव होगा, तो रेड कोड एक्टिव तभी होगा जब आग लगेगा। तो दो चीज हम लोग समझ गए, एक हम लोग समझ गए क्या कि रेड कोड और एक हम लोग समझ गए ब्लू कोड। ब्लू कोड क्या होता है, जब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। रेड कोड क्या होता है, जब अस्पताल में आग लगा जाता है तो वहां पे सभी अस्पताल के कर्मचारी को सेफ्टी फायर का इस्तेमाल करना आना चाहिए ताकि आपातकाल करने के समय में इस्तेमाल किया जा सके। अब देखिए जब किसी अब कभी आपको येलो कोड एक्टिव हो गया, अब बोला अस्पताल में सब लोग आप काम कर रहे हैं तो आपको बाहर का दुनियादारी से पता नहीं है, येलो कोड एक्टिव हो गया, तो येलो कोड कब एक्टिव होगा, जब कोई डिजास्टर आता है, प्राकृतिक आपदा आएगा, जैसे कोई तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, ठीक है ना, या फिर इस तरह का कोई भी प्राकृतिक आपदा आया तो उस समय जो एक्टिव होगा वह क्या होगा, येलो कोड एक्टिव होगा। तो येलो कोड एक्टिव होगा तो उसमें भी क्या है कि पेशेंट को हम लोग को रिकवरी स्थान पे पहुंचाना है, पेशेंट को सेफ स्थान पे पहुंचाना है और उससे उसके लिए हमको फाइट करना है, पेशेंट को सेपरेट करना है, उससे फेस करना है। तो येलो कोड, अब हम लोग तीन कोड को समझ गए, ब्लू कोड, येलो कोड और रेड कोड। ब्लू कोड हम लोग कार्डिक अरेस्ट में यूज किए या फिर रिस्पिरेटरी अरेस्ट में हम लोग इस्तेमाल किए, रेड कोड आग लगने पर इस्तेमाल किए, और हम लोग जो येलो कोड जो हुआ प्राकृतिक आपदा में कोई भी डिजास्टर आया तो उसमें हम लोग किसी भी तरह का प्राकृतिक आपदा आया, सुनामी आया, भूकंप आया, बाढ़ आया, कोई भी चीज प्राकृतिक जो आपदा आ गया जो प्राकृतिक से रिलेटेड है उसमें हम लोग येलो कोड का यूज करेंगे। अब ऑरेंज कोड क्या होता है, जब कोई खतरनाक केमिकल का स्पाइलेज हो जाता है, अस्पताल में मानते हैं कि सफाई वगैरह के लिए चाहे कोई भी लैब में कोई काम हो रहा है और वहां पे कोई खतरनाक केमिकल स्पाइलेज पड़े हो ना, BMW में छलक जाना, कोई चीज अगर गिर के छलक गया उस एरिया में, जैसे मरकरी हुआ, गैसोनोल हुआ, जहरीला गैस होता है, तो जिस एरिया में छलक गया वहां पे हम लोग कोड ऑरेंज एक्टिव कर देंगे कि हेलो लैब, माइक्रोबायोलॉजी लैब एरिया, कोड ऑरेंज एक्टिव।
जितना ऑरेंज कोड एक्टिव जैसे बोल लिया तो उस एरिया में कोई बाहरी लोग प्रवेश नहीं करेगा, वहां पे रुक जाएगा, वहां पे ब्रैकेट लगा देना। और सारे अस्पताल के कर्मचारी को मालूम है कि हमको उस एरिया से बचाव करके जाना है, क्योंकि वहां पे ऑरेंज कोड एक्टिव हो गया है, वहां पे कोई ना कोई जहरीली केमिकल गिरा हुआ है जिससे हमारे और हमारे पेशेंट को नुकसान हो सकता है। अब दूसरा ये पिंक कोड। पिंक कोड क्या होता है? पिंक मतलब गुलाबी। पिंक कोड होता है जो भी होता है कलर, तो पिंक कोड का व्यक्ति होता है कि अस्पताल में जब जाइएगा तो मेटर्निटी वार्ड वगैरह में, चाहे जब बच्चा आईसीयू या एनआईसीयू रहता है अस्पताल में, तो जब बच्चा एडमिट रहता है तो बच्चा चोर सब सक्रिय रहता है, बच्चा चोरी होता है अस्पताल में ज्यादा, तो बच्चा अस्पताल का चोरी कोई अस्पताल का कर्मचारी नहीं करता है, पेशेंटे में से कोई घुस के उसको चुराने का प्रयास करता है। डंकन में आप लोग देखे ना, यहाँ पे डंकन में बार बार सुनने मिलता है कि बच्चा बदल दिया, बच्चा चोरी हो गया, तो कोई बाहर का आदमी घुस के बच्चा चोरी करने का प्रयास करता है। कौन बच्चा चोरी करता है? जिसको बाल बच्चा नहीं होता वो चोरी करके बेच देता है। तो मानते हैं कि अब हम बच्चा चोरी का हल्ला करेंगे तो चोर तो सतर्क हो जाएगा, भाग जाएगा, लेकिन जैसे हम लोग को पता चलेगा कि भाई एनआईसीयू का वो बेड नंबर का चाहे वो नंबर का बच्चा गायब है, हम लोग क्या करेंगे? कोड पिंक एक्टिव। तो जैसे कहेंगे कोड पिंक एक्टिव, तो जितना भी हॉस्पिटल का कर्मचारी है जो अनलीगल एक्टिविटी देख रहा है, कोई बच्चा को लेके जा रहा है, या फिर गार्ड है, फिर सिक्योरिटी गार्ड है, वह वहीं पे ब्लॉक कर देगा, सीधे गेट को बंद कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जिससे बच्चा चोर पकड़ा जाएगा। बच्चा चोर करेंगे तो नहीं पकड़ाएगा, अब बच्चा चोर को पता भी नहीं लगेगा, वो तो आराम से जा रहा है, वो तो अनाउंस करेगा माइक में कि कोर्ट, वो तो बड़ा जैसे मॉल सब में होता है ना, वैसे हॉस्पिटल सब में भी माइकिंग सिस्टम रहता है, तो जैसे कोई भी होता है तो ऐसे भीतर में अनाउंस हो जाता है। तो जैसे कहेगा कोड पिंक एक्टिव इन एनआईसीयू, यानी एनआईसीयू से कोई बच्चा को लेके भागा है और एक्टिव हो गया पिंक कोड, तो पिंक कोड जब एक्टिव हो गया तो पूरे अस्पताल के लोग क्या हो गया, वो बच्चा को खोजने में लग गया, पूरा गेट को बंद कर दिया, और चोर तो आराम से घूम रहा है, वो तो नहीं जाना है पिंक कोड क्या है, पकड़ा जाएगा, तो इसलिए कोड सब बनाया गया। तो और इसका जानकारी जो अस्पताल के लोग को प्राइवेट रखा जाता है, इसको क्या होता है कि अस्पताल का जो मेंबर होता है प्राइवेट कोड होता है, इसको मतलब कि लीक नहीं करना है कि बाहर का लोग नहीं जाने। अब देखिए वायलेट कोड, कोड वायलेट जो होता है या सिक्योरिटी इमरजेंसी में यूज किया जाता है। जैसे मानते हैं कभी क्या हो गया कि कोई हमको खबर मिला कि अस्पताल के इस वार्ड में बम रखा गया है, चाहे कोई पिस्टल रख दिया है, चाहे पिस्टल ये घुस गया है, तो बम रख दिया है, सूचना मिलेगा कह देंगे बम रख दिया है, तो पूरा हाहाकार मच जाएगा, पूरा सिस्टम अस्त-व्यस्त हो जाएगा, मरीज जो बीमार है वो उठ के गिरने लगेगा, जो चलने नहीं है वो बेड पर से भागेगा, इससे क्या हो जाएगा, माहौल खराब हो जाएगा, और जो नई घटना होने वाला है और ज्यादा घटना उससे लोग हो सकता है। तो वहां पे हम बोलेंगे कोड वायलेट एक्टिव, मतलब कि अस्पताल में किसी एरिया में जहां पे एक्टिव है वहां पे बम मिलने की सूचना है, वहां पे रेस्क्यू टीम को बुलाएंगे, वहां से पेशेंट को सेफ अवस्था में ले जाएंगे, तो यह सब चीज होता है। तो बम की जानकारी मिलने पर क्या होता है कि वायलेट कोड जो होता है एक्टिव हो जाता है। वायलेट कोड जो हो गया कोई भी मतलब तरह का, मतलब कि अगर उपद्रव मचाने का प्रयास कर रहा है, कोई बम लेके घुस गया, डंडा लेके घुस गया, तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर दिया, जैसे अस्पताल में लोग घुसता है ना, ऐसे कोई मरीज मर गया, कोई घटना हो गया, तो अस्पताल में मरीज नहीं मरेगा तो घरे मरेगा, मानते हैं कोई इमरजेंसी मरीज तो मर सकता है, तो मरीज का आदमी लगा तोड़ फोड़ करने, तो वहां पे वायलेट कोड एक्टिव होगा। जहां पे उपद्रव मचाने वाला स्थिति होगा वहां पे वायलेट कोड होगा। बम के एक कैटेगरी को उसी में हम लोग और बांट के रख दिए कि ब्लैक कोड। ब्लैक कोड मतलब कि जहां पे ब्लैक कोड होगा वहां पे कि बम कंफर्म है कि बम का है संख्या। इस तरह हम लोग क्या समझे कि रेड कोड तब एक्टिव होगा जब आग लगेगा या कहीं से धुआं आएगा, ब्लू कोड तब एक्टिव होगा जब मेडिकल इमरजेंसी है, जब किसी को CPR देना है, जब किसी को कार्डिक या पल्मोनरी अरेस्ट हुआ है। अब देखिए पिंक कोड तब होगा जब बच्चा को कोई चुरा कर ले जाएगा। येलो कोड, अच्छा अब देखिए और सब भी कुछ कुछ कोड है जिसको हम लोग अभी जिक्र करेंगे। अब देखिए अगर कहीं येलो कोड डेवलप हुआ तो मतलब क्या हुआ, जब तो येलो कोड हमें बताया था क्या, जब डेवलप हुआ जब कोई आदमी मिसिंग हो गया है, जैसे कोई मानसिक रोगी या बुजुर्ग रोगी है और वह मानते हैं कि वह अपने जगह से क्या हो गया है, जैसे मानते हैं किसी वार्ड में भर्ती या धीरे से उठ के कहीं चला गया, यानी कि उस बेड से गायब है, तो वहां पे एडल्ट के लिए येलो कोड एक्टिव होगा। समझ में आ रहा है बात? ग्रीन कोड का भी एक्टिव होगा जब हम किसी को इवैक्यूएशन करना है, बाहर निकालना है। तो अब देखिए ऑरेंज कोड कब एक्टिव होगा, एक कोड और होता है ऑरेंज को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में, जैसे किसी पेशेंट का हम लोग इलाज करें, उसको ऑपरेशन हुआ है या कोई ब्लीडिंग हुआ है
और उसके चलते क्या हो कि उसका ब्लड लॉस नहीं रुक रहा है और पेशेंट को ब्लड चाहने की जरूरत यानी क्रिटिकल कंडीशन में है, तो उसमें हम लोग बोलेंगे कि इस पेशेंट को यहाँ पे ऑरेंज कोड ओमेगा कोड बोलते हैं उसको, ओमेगा, ऑरेंज तो मिसिंग पेडियाट्रिक में हो जाएगा, ओमेगा कोड जो होगा वह क्या हो जाएगा ब्लड लॉस के कंडीशन में या गायनिकल या सर्जिकल वार्ड में या फिर आपको किसी एक्सीडेंटल वार्ड में यह कोड जनरेट होता है। तो इस तरह हमने समझा कि किस कौन सा कोड जो होता है किस कंडीशन में इस कोड के अनुसार हम लोग जो है पेशेंट को उस सेफ अवस्था में पहुंचा सकते हैं और हॉस्पिटल के लोगों को इस कोड की जानकारी होती है ताकि बाहर का माहौल खराब नहीं हो, गैदरिंग नहीं हो। तो चलिए दूसरे।